हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आपको अपडेट दिया था कि अगर आपके आंसर की नहीं आती हैं तो एचपी बोस ऑफिशियल से बातचीत करके आपको जो जानकारी प्रदान करवा दूंगा। तो ये नंबर आपके पास है एचपी बोस ऑफिशियल का, अगर आपको भी जानकारी लेनी है तो आप खुद भी कॉल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपके आज कॉल की थी, आज आप देख लीजिए यहाँ पे टुडे, और आपके पास 3:06 पे मेरी लगभग बात हुई है, 1 मिनट के आसपास, 53 सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन टाइम। और फिलहाल आप नंबर देख लीजिए, अगर आपको कोई भी जानकारी एचपी डेट से रिलेटेड लेनी है तो इस नंबर पर आप जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये एचपी बॉस का ऑफिशियल नंबर है। तो इन्होंने मुझे जानकारी दी है कि आपके पास एचपी डेट की जो आंसर की है, दो कारणों से डिले है। एक तो आपके पास जो एचपी बॉस की जो साइट है वो आपके अभी अगर आप चेक करके देखें तो साइट आपके वर्किंग नहीं है, साइट आपके डाउन चल रही है, सर्वर डाउन आपके चल रहा है। दूसरा आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो एचपी बॉस की ऑफिशियल आंसर की है वो कल तक आने के आपके आश्वासन, यानी कि सैटरडे यानी कि 30 तक आने के चांसेस आपके, जो उन्होंने कहा कि 30 तक हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर 30 को नहीं आती है तो फिर मंडे तक डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि मंडे इवनिंग तक आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवा देंगे। तो फिलहाल जो मुझे जानकारी मिल पाई और जो ऑफिशियल से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे जानकारी दी, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, अब कल तक वेट कर लीजिए क्योंकि संडे को आपके ऑफिशियल आंसर की आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि मंडे इवनिंग तक डेफिनेटली आपको जो प्रोवाइड यहाँ पे की जाएगी। तो एचपी बॉस की जैसे ही ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की आती है, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आप चाहे तो जून 2024 की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि जून 2024 की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपके आउट हो चुकी है, इवन एग्ज़ाम डेट आपके अनाउंस हो चुकी है। तो बाकी और कोई भी अपडेट रहता है, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी सारी जानकारी। आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।